नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम पहुंच गए हैं पाठ संख्या 12 पर, और पाठ संख्या 12 है एक कविता जिसका शीर्षक है सूरज सबका मामा। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, हमारे भारत में सभी जगह मौसम अलग अलग होते हैं। कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत ठंड, और कहीं तेज़ बारिश ही होती रहती है। सोचो, अगर आपका घर किसी ऐसी ही जगह पर होता तब आप क्या करते? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में या बहुत तेज़ बारिश में घर पर ही रहना पड़ता है। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? तो चलिए सोचिए और बताइए। हम करते हैं कविता में प्रवेश। बच्चों, कविता में गर्मी के मौसम का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं, गर्मी में सूरज मामा के निकल आने पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या होता है जब सूरज बहुत तेजी से निकलता है। आइए शुरू करते हैं। संभल के बच के देखो भैया, लपक तमतमा आया है वह गुस्सेला। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सूरज की बात हो रही है। गर्मी आंधी तूफानों से भरकर थैला, कुर्ता तुड़ा मुड़ा सा महला, तपती धूप भरी आंखों में, जी भी पानी पीने भरने लाल लाल मटके लेकर सूरज सबका मामा, जाने कौन दिशा से आधम का है, नदी पोखरों पर यों आबम का है। तो यहाँ बच्चों कवि कहना चाह रहे हैं कि सब लोग संभल जाओ, सब लोग बचो, सूरज आ रहा है। गर्मी आंधी तूफानों से भरे हुए थैले लेकर, कुर्ता तुड़ा मुड़ा सा मैला, तपती धूप भरी आँखों में। हर तरफ धूल मिट्टी और आँखों में भी ऐसा लग रहा है जैसे धूप के कारण वो तप रही हो, जल रही हो। जी भी पानी पीने भरने लाल लाल मटके, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी पानी पीने आ गया है। लेकर सूरज सबका मामा, जाने कौन दिशा से, इतनी तेज़ गर्मी है कि सबको ऐसा लग रहा है कि जाने किस दिशा से सूरज आ गया है। नदी पोखरों पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पानी भी वहाँ पर गर्म लग रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चों तेज़ गर्मी की। मंद हवा की छीन तरावट, हवा में भी कोई तरावट, कोई ताजगी नहीं है। पानी पानी मची दुहाई, हर तरफ क्या दुहाई हो रही है? पानी पानी। गर्मी से बचने के लिए हम पानी ही पीते रहते हैं। देखो इसकी लापरवाही, ये सूरज इतना लापरवाह हो रहा है कि इसी इस चीज़ की परवाह भी नहीं है कि बेचैनी से छूटा पसीना, कि सबका बेचैनी से पसीना छूट रहा है। हारे पंखा भैया, पंखा चल भी रहा है तो पता नहीं चल रहा है पंखा हार गया है। बकरी भेड़ रंभाती गैया, सूखे पनघट ताल तलैया, गर्मी से पनघट सूख गए हैं, ताल तलैया सूख गई हैं। बकरी भेड़ गैया, ये सारे जानवर भी बेचैन हैं। तड़प रही गौरैया, और गौरैया तड़प रही है। मैना हाफे, मैना हाफ रही है। दूर क्षितिज पर धरती कांपे, और धरती गर्मी के मारे कांप रही है। हरियाली तो कहीं रसातल नापे, हरियाली तो ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी के अंदर ही घुस गई है, हरियाली है ही नहीं क्योंकि गर्मी से सब कुछ सूखा पड़ा है। सन्न 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 लू के झोंके, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, उफ बे मौके कोई रोके। तो कवि कहता है कि इस सूरज को इस बे मौके पर, मतलब कभी भी इतनी गर्मी की तीव्रता हो जाती है, कोई तो आकर इसे रोके। चलिए आगे चले। धूल उड़ाता ज्वाला उठाता, लू चल रही है तो धूल उड़ रही है, ज्वाला गर्मी के मारे ऐसा लग रहा है जैसे ज्वाला उठ रहा है। पेड़ गिराता नमी चुराता, भूख मिटाता प्यास बढ़ाता, गर्मी के मारे भूख भी नहीं लग रही, प्यास बढ़ रही है।
रात छांटता नींद बांटता खुल खुल खांसे सनकी बूढ़ा। बूढ़ा गर्मी से व्याकुल होकर खांस रहा है, नींद भी नहीं आती। करकट कूड़ा आया आया बड़ा निगोड़ा, यह सूरज सबका मामा। सो हर तरफ धूल मिट्टी गर्मी, पानी नहीं है, हरियाली नहीं है। तो सूरज मामा के लिए कहा जा रहा है, आया आया बड़ा निगोड़ा, यह सूरज सबका मामा। तो चलिए बच्चों, कठिन शब्द दिए हुए यहाँ पर जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं, लपक तमतमाता गुस्सैला, दिशा नदी पोखरों, छीन तरावट दुहाई बेचैनी, रंभाती गौरैया तलैया, क्षितिज रसातल निगोड़ा। और ये हैं शब्दार्थ जिन्हें आपको लर्न करना है, याद करना है बच्चों, और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। तम तमाता का अर्थ है अत्यधिक गुस्से में, ऐसा लग रहा है गर्मी के मारे, या गर्मी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि सूरज अत्यधिक गुस्से में है। लापरवाही परवाह ना करना, तपती गर्म बेचैनी असुविधा, मंद धीमा सुस्त, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बताइए कविता के अनुसार गुस्सैला कौन है? सूरज है। तपती धूप के कारण पनघट और ताल कैसे हो गए हैं? सूख गए हैं। कविता के अनुसार किसकी दुहाई मची हुई है? कविता के अनुसार पानी पानी की दुहाई मची हुई है। तपती धूप ने किसकी तरावट छीन ली है? मंद हवा की तरावट छीन ली है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पानी के मटके किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। कविता के अनुसार दुहाई मची हुई है पानी की। सूरज थैले में क्या भर के लाया है? गर्मी आंधी तूफान ये सभी। गौरैया क्या कर रही है? गौरैया तड़प रही है। मैना हाफे धरती कांपे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलें। यहाँ हमें कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, और ये अब मैं आपको दे रही हूँ बच्चों करने के लिए आपका गृह कार्य। ये आप अपने गृह कार्य में करेंगे, ठीक है? आप कविता पढ़ के इन पंक्तियों को पूरा स्वयं करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। जी भी पानी पीने भरने लाल लाल मटके, लेकर सूरज सबका मामा, जाने कौन दिशा से आ धमका है, नदी पोखरों पर यो आ बमका है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि पानी भरने के लिए लाल लाल मटके लेकर सभी नदी और पोखरों की तरफ बढ़ चले हैं, और ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी क्यों है, किस दिशा से सूरज इतनी तीव्र गति से आ धमका है। हर कोई गर्मी से व्याकुल है, परेशान है, जानवर भी बेचैन है। इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम करेंगे सही मिलान। गुस्सैला कौन है? सूरज। मंद हवा की क्या छीनी हुई है? तरावट। कौन तड़प रहा है? गौरैया गैया रंभाती मैना हाफे, था ना लाइन, मैना हाफे धरती कांपे। ठीक है, तो मैं इसके आगे भी लिख देती हूँ, क ख ग घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तमतमाता हुआ कौन आया है? तमतमाता हुआ सूरज आया है। सूरज थैले में भरकर क्या लाया है? गर्मी आंधी तूफान। सभी लोग क्यों परेशान हैं? सभी लोग बहुत ही तीव्र गर्मी के कारण परेशान हैं। सब तरफ पानी की दुहाई क्यों मची हुई है?
क्योंकि सब तरफ पानी की दुहाई इसलिए मची हुई है क्योंकि इतनी गर्मी से ताल तलैया नदी सब सूख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब सूख गया है, गर्मी के मारे सबकी भूख मर गई है और सबको पानी चाहिए, इसीलिए पानी की दुहाई मची हुई है। आभार, मिलते हैं अगले पाठ में।